भैया नमस्ते, क्या बात है जो इतनी बेसब्री से अपनी बहन को याद किया? बताओ ना, क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ना है, नहीं है। क्या खाना आज अच्छा नहीं बना था? ना ना ना, बहुत अच्छा। अरे आज तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना रखी हूँ, तबीयत भर गई है। अरे आज देखो, आज अच्छा से नाश्ता भी बना रखा हूँ। अरे भाई, तब जलखुम्बी का फूल फुलान यहाँ क्या? ये जलखुम्बी का फूल। देखो भैया, आज तुम्हारे लिए मैं हलवा और पूरी का नाश्ता बना रखी हूँ, ले आऊं? मैं खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं खा। आखिर बात क्या है कि जो तुम्हारी आंखें लाल पीली है? रेखा, हमारी बात ध्यान से सुनो। कोई कुछ कुछ कहा है क्या? सुनो हमारी बात। किसी से कोई बात हुई? रेखा, तुम अब बच्ची नहीं रह गई हो। वो तुम्हें सयानी हो गई हूँ। अब तुम सयानी हो गई। बात क्या है? इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा सा वर ढूंढ कर हम तुम्हारी शादी कर गए। हमारी शादी? हाँ। अरे भैया, अरे मेरी शादी की आप चिंता क्यों करते हैं? शादी तो होती ही रहेगी। अरे नाश्ता बढ़िया बनाया, चलो सबसे पहले नाश्ता करो। नहीं नहीं, पहले अपने शादी का रिफंड करोगी तभी मैं चलूंगा। मेरी शादी? मैं सोचता हूँ अप्रैल चल ही रहा है, है? आज 14 अप्रैल है, 20 अप्रैल तक कहीं एक बार ढूंढ कर तेरी में शादी करो। बढ़िया बाबू, हमें देखे यहाँ कौन सा लौंडा है? बहुत बढ़िया लौंडा। अबे बताएगा तो सही, फुरमुट लौंडा है, वह जा रहा। ऐसे लड़कों के साथ मैं शादी करूंगी? रास्ता चला जाए उसे मैं शादी करूंगी? अरे कहीं अच्छा से कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, शिक्षित यानी अच्छे खानदान का हो, मैं उसे शादी करूंगी कि कोई रास्ते से जा रहा तो वो जा रहा है उसके साथ में शादी। रेखा बहन, मेरे पास टाइम नहीं है, बोल। अगर तुमने अपने मन पसंद का कहीं चुना हो तो भी मेरे को बता दे, उसी के साथ में तेरी शादी कर देता हूँ। तो मेरी शादी की भैया फिकर ना करो। भैया अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं जरूर बतलाऊंगी। बताओ बताओ। मेरी शादी की भैया फिकर ना करो, जीवन साथी मैंने चुन ही लिया। है कौन, किसको चुना है? नाम जय सिंह और इसी गांव का, उसको ही अपना दिल ये है दे ही दिया। मेरे जिंदगी में ना ही मेरे खानदान में कभी ऐसा हुआ है, ना ही होने दूंगा। तो नाम उसको जो बाप पर ये कर लिया ना। हरामजादी, एक अनुसूचित जात के लौंडे के साथ तुमने दिल लगा लिया भैया? ठाकुर में भी, ठाकुर खानदान का वो भी है। इससे तो अच्छा वो जो टोपी लगा रखा है चाय, उसके ही साथ तुम दिल लगा लिया होता तब भी ठीक था। चाय वाले के साथ भी मेरी शादी करोगे? कम से कम उसके साथ उसका हाथ तो बटाती तुम। भैया तुम्हें तो ये भी सोचना चाहिए कि मेरी बहन सयानी हो गई है,
मैं घर में अकेले कब तक रहूंगी? सीधा पानी जो मारेगा जवान जहरीले है गहूं ऊंचे खाले लाग। सीधा पानी ले जाओ शरामजादी को, हवेली में बंद कर दो, हवेली के बाहर इसके कदम न पड़ने। मुझे करण जैसा लड़का मुझे अब इस चंदापुर में नहीं मिलेगा। वीडियो वाले यार तुम्हारे ही साथ कर दूंगा उसकी शादी। हाँ तुम ठीक हो, वैसे बहन हुए तो वैसे जहाँ चार दिन पाछे दोनों आदमी जाते रहेंगे अपने बनाने। क्यों नहीं, करण सिंह को बुला। जा, जा। बुला रे। काओ मेरे दोस्त, क्या बात है? करण सिंह का बता, हमारी नाक जितनी लंबी थी उतनी ही छोटी हो गई। मेरे दोस्त तुम तो हंस रहे हो। ठाकुर करण सिंह का अंदाज कभी गलत साबित नहीं होता। सही है यार, तुमने देखा कैसे हम रियासत की तरफ से वापस आ रहे थे और खरियान के पास इन दोनों का भर्त मिलाप हो रहा। साला चुम्मा ये लेके साला वोट खत्म कर दिया है उसने। अरे चुम्मा की बात छोड़ो, इसके पेट में उसका गर्भ भी आएगा। क्यों करण सिंह? अरे ना लाए साले, तुम ही तो बता रहे थे। करण सिंह मेरे दोस्त, तो हमारी इज्जत तुम ही बचा सकते हो यार। मेरे दोस्त तुम चिंता मत करो, अगर मेरी बात आपको बुरा ना लगी तो मैं आपसे कुछ कहूंगा। कहो सब सुनो, मुझे बुरा ही नहीं लगेगा। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, कि मारने से उसे कुछ मिलेगा नहीं, मारने से उसे मारने से उसे कुछ मिलेगा नहीं, राय मानो हमारी मेरे दोस्त मन, रेखा संग मेरी शादी और रचा दीजिए, मारने से उसे कुछ मिलेगा। सब मुझको मंजूर है, आप की शर्त सब। शर्त सब मुझको मंजूर है, रेखा की शादी कर दूं तेरे साथ में। रेखा की शादी कर दूं तेरे साथ में, तेरे जैसा ये परिये मिलेगा। मेरे दोस्त यह बताओ कि हम किस दिन बारात लेकर हवेली पर आए? करण सिंह कहो आज कौन सी तारीख है? आज 15 तारीख है। 15 है, कलकत्ता जाने में आने जाने में कितने दिन लगते हैं? दो दिन आने जाने में। करण सिंह 20 तारीख 20
बारात लेके आओ अवश्य। और सुनो, बारात में एक अच्छी सी नौटंकी भी लेके आने का। अच्छी सी? बढ़िया बढ़िया नाच है। कौन कहो राम सजीवन कहार की रमेश चमार की जैसी। या साले तुम तो अनसूचित जातों की। अरे नालायक, ये बाबू करण सिंह की बारात है, साले कहार चमार की नाच रही होगी। और दूधनाथ रैदास की तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम चले जाना पारी नवाब यादव के पास, उनसे बोल देना कि बाबू करण सिंह ने भेजा है तुम्हारी नौटंकी उनकी बारात में होना है। और कुछ? मैं चल रहा हूँ, मैं कुछ जेवरात के सामान लेने जा रहा हूँ, तुम इधर बारात की तैयारी। ठीक है, जाओ मेरे दोस्त। और उसके साथ साथ उस रेखा की भी जिम्मेदारी है, हवेली से बाहर ना निकलने, वो नहीं जाने पाएगी। मुन्ने लाल मर्दार, देखा एक तीर से दो निशाना लगा। या तो हम देख रहे हैं, लेकिन या बताओ पहले बोल। हम सोच रहे हैं यार, तुम्हार तो एक पद्म बहन लागत है, तुम ब्याह करे तैयार है। अरे कौन किसकी बहन रे, ए मेरा जिगरी दोस्त। यहाँ जान तो छिना रहो, अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, दोस्त के बहन है, कोनो बात नहीं, सगिन होती तुम्हारे बिरादे में चलते। सिपाही, इसीलिए अपन कहावत में कहता है, कहता है कलयुग का वास हो। अरे तो कलयुग का वास हो, सत्य का और सत्य का सत्य नाश हो। ले ले ले, हेलो साथियों, सरदार जी जय मोहन, जय माँ भवानी। साथियों सुनो, सबसे पहले बिंदिया का ऐलान सुनो। और अपने अपने काम में रहो सदा होशियार, अपने अपने काम में रहो सदा होशियार। अरे लूट लो अब जमींदारों को, करो करो सबसे पहले, सबसे पहले हमें कहाँ चलना है, कहाँ चलना है तो चंदापुर, चंदापुर गांव की सब तैयारी करो, कर्ज बाकी वहां पे पुराना मेरा, और लूट लो चल हवेली करने सिंह की। लूट लो चल हवेली करने सिंह की, वो है दुश्मन हमारा पुराना। बातें करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त चलो चंदापुर गांव। सबसे पहले करण सिंह की हवेली पे धावा बोलना है मुझे, बहुत अच्छा। इसी वक्त आ मेरे साथ, चलो जय माता भवानी। रेखा, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जैसी कहो, क्या बात है, बहुत घबराई सी नजर आ रहे हैं। तुमसे आखिरी मुलाकात करने के लिए आई हूँ। हमारे तुम्हारे दिल के अंदर जो सपना थे, क्या वो सपना स्वीकार नहीं हो पाएंगे,
हमारा तुम्हारा सपना चूर हो गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आज मुझे गौर से देख लो, आज के बाद अपनी निगाहों से मुझे नहीं देख पाओगे। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए रेखा, क्या कहना चाहती है? तो रेखा सामने आपके है खड़ी, जैसे रेखा सामने आपके है खड़ी, लो देख गौर से मुझे जान मन, आज के बाद तुमसे न मिल पाऊंगी, मेरी शादी हो रही है किसी और से। जैसे आज के बाद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। ये क्या कह रही है तुम? मेरी शादी किसी और से हो रही, मेरे भैया ने मेरी शादी किसी और से कर। तो भाई के कम मैं खुद मैं परेशान हूँ, कैसे तुम भूल जाओगी रेखा मुझे, प्यार करने का जब तुमने वादा किया, सच निभाओ उसे मानो मेरा जीवन। ठीक है तो जैसे तुमने प्यार करने का वादा किया था, प्यार करने का वादा मैंने किया जरूर था, अपने भाई के गम में खुद में दुखी हूँ और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मैंने क्या ऐसा गलत किया है जो मुझे ठुकरा रही हो रेखा? देखो जैसे ठीक है, अगर ये बात है तो हाँ मैंने वादा किया है, मैं अपने वादे पर अटल रहूंगी, कुछ भी हो जाए मेरी जान चली जाए मुझे मंजूर है, लेकिन ये शादी नहीं होगी, ये शादी होगी तो तुम्हारे ही साथ होगी, अन्यथा करण सिंह के साथ नहीं होगी। जय सिंह आओ, अच्छा मौका है, मेरे भैया ने मुझे कोठरी के अंदर बंद कर दिया था। अच्छा, मैं खिड़की के खिड़की तोड़ करके रेखा खिड़की के पास से मैं निकल करके तुम्हारे पास आई हूँ, आओ इसी वक्त यहाँ से हम निकल चलते हैं, मैं आज इस गांव को छोड़कर बहुत दूर निकल जाएंगे, इतनी दूर निकल जाएंगे कि वो लोग मुझे पाए नहीं सकेंगे। हाँ रेखा आओ चलते हैं, जालिम जमाना है ये, हमें और तुम्हें आज जीने नहीं देगा। देखो जय सिंह, इसलिए हम तुम समय मत लगाओ कहीं बहुत दूर तक, समय मत लगाओ, नहीं कड़ी सी कड़ी निगाह मेरे भैया की मेरे ऊपर है। क्यों नहीं, मेरे दरबार की जो मुन्नी लाल है ना, उसकी भी निगाह मेरे ऊपर है। चलो यहां, क्या हो रहे करण सिंह? कहां को भाग कर जा रहे हैं? फिर आ गए मेरी बात को गौर से कि भाग कर जा रही हो तुम रेखा, कहां भाग रेखा, कहा तेरी आंखों का पानी खुद है कि मर चुका, एक लुच्चे के संग तू भगी जा रही, तेरी आंखों का पानी खुद है। बस बस करण सिंह, मेरी आंखों का पानी गिर चुका है, अरे मैंने प्यार किया है, प्यार किया है तो दूसरी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मिलते जुलते में किया है। चिड़ी की दुखी मैं दूसरे तेरा मैं भारत मिलाप नहीं होने दूंगा करण सिंह। अब तू मेरी दुल्हन बनेगी
और तेरी कोख में जो इसका बच्चा पल रहा है मैं उसका गर्भपात करवा दूंगा। का बोले रे बाबू करम सिंह से ऊंची आवाज शादी साला चिरकोट हमारी दुल्हनिया को लेकर भागना चाहता है और क्यों रे हराम जादे हाथ तेरी अलबल लेकर शेर बनता है साला एक नियते परवार करता है चाली मैं उससे मैं कमजोर लग रहा हूँ करण सिंह तुम्हारा मुंह नहीं अच्छा है तुम्हारे बड़ी बड़ी दाढ़ी है अरे साली बड़ी मोछे है तुम्हारा भूत जैसा चेहरा है लंगूर जैसा मुंह है तुम्हारा मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकती हूँ शादी नहीं हम तेरा बाजा बजाएंगे कहाँ मैं कहाँ सुहाग रात तेरे साथ बाबू करण सिंह मना सपना देखो सपना देखो करण सिंह सपना देखो देख तेरी आंखों के ही सामने इस हराम जादे का चीथड़ा उड़ा देता ये साला जिंदा नहीं रहेगा अगर तू अपनी खैरियत चाहता है अगर तेरे जिस्म में मर्द का खून है तेरी वाल वाल फेंक फिर देख तुझे क्या तमाशा दिखाता हूँ क्या दिखाएगा रे हराम जादे मुन्नी लाल इसके साले के चेहरे के रंगत को देखो जैसे साला जंगली दिख रहा है और ये साली ठाकुर खानदान की नाक कटवाने चली पहले अपने शक्ल को देख ये साला सूत्र जैसा लौंडा दिख रहा है कौन कहेगा तू ठाकुर है अगर तेरे को इतना इसका जुनून चढ़ा था तो साली मुन्नी लाल से इसका लड़ा बैठ मेरा प्यार है नहीं होता ये मेरा प्यार है मैं इसके लिए कुर्बान हो जाऊंगा हंस कर जान दे दूंगा लेकिन अपने प्यार पर आज नहीं जाने दूंगा हम सारे तेरे शरीर के इतने टुकड़े कर दूंगा कैसे रियासत के लोग तेरी शादी नहीं तेरी बर्बादी पर तरस खाएंगे अगर तू अपने आप को जिंदा व सलामत देखना चाहता है तो मार दे मुझे गोली वरना अंजाम भी तो बहुत भयानक जान सारे मारने के लिए जवान और पंजे से तो ना बचे सुन पापी से और पंजे से तो ना बचे सुन पापी से हराम निहत्थों पर वार करता है अपने आप को मर्द बनता है मेरी
बात को जरा गौर से सुन, ऊंची आवाज में ना बोलने को, क्योंकि ये बाबू करण सिंह की हवेली है, यहाँ आने वाले कदमों के निशान मिलते हैं, लेकिन वापस जाने वालों के ना ही मिलते। ये यहाँ से चलो और बचा के अपनी जान, और वरना मारूंगा तुझे। अबे सुन पाती खोर, मुझे मारने की बात करता है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन है रे? नाम सुनेगा ना तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अरे तू बता तो सही, तू कौन है? अरे इससे रियासत के हम भगवान हैं, हम तेरा नाम सुनकर डर जाएंगे। तो सुन, मैं कौन हूँ और पहचान मुझे। बोल। तो इतनी जल्दी इतनी जल्दी गया भूल मुझको करन। अरे बोल तू कौन है? अरे नाम बिंदिया मेरा, मुझको पहचान ले, और तूने बर्बाद मेरा चमन कर दिया। तूने बर्बाद मेरा चमन कर दिया, अपने भगवान को आज तो याद कर। यानी कि तो तू वही बिंदिया है क्यों रे? आज के 20 साल पहले तेरे को याद होगा, हम ही लोगों ने तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दिया था। उस दिन तो तू किसी तरह बच गई, लेकिन आज तू यहां से जिंदा बचकर ना जा पाएगी रे। सोच ले, मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, बुला अपने वीरों को, देखती हूँ तेरी मदद के लिए कौन आता है। जल्दी से बुला, नहीं तो कुंदा मारूंगी अभी कि सारी बतीसी बाहर आ जाएगी। ऐ बिंदिया, तेरे को मालूम नहीं कि हम कौन हैं? हमारी ताकत का तेरे को अंदाजा नहीं। अच्छी तरीके से अंदाजा हमारा है जाना। कि नहीं चोर तुमने और हमारा है जाना, और यदि फोन करके बुलाऊं भी, फोन करके बुलाओगे पूरा थाना है बुला लोगे। चल मिला, 112 नंबर मिला पहले, और देखते हैं कौन आता है। मुन्नीलाल, मुन्नीलाल, यहाँ से दौड़ते हुए सीधा जाओ, मताई रैदास को बुला कर ले आओ, वो थाने का चौकीदार है, वो तुरंत फोन करेगा, फोर्स आके हाजिर होगी।